सभापति महोदय, आज जिस बिल के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उस बिल के महत्व को यदि विपक्ष पहचान पाती, जान पाती, तो आज ये स्थिति नहीं रहती। सभापति महोदय, मैं एक बात का जिक्र करता हूँ जो लोगों का दिल छू लेगा। इस दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या कितनी है शायद विपक्ष को पता नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की स्थापना की। ये स्ट्रीट वेंडर्स वो हैं जो हजार दो हजार रुपये के इन्वेस्टमेंट से अपने परिवार को चलाते हैं। आज 170,175 स्ट्रीट वेंडर्स को 198 करोड़ की सहायता मिली है। दुनिया के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जिनके बारे में कम्युनिस्ट वामपंथी नारा देते हैं, जिनको सब दिन शोषण करते रहे, जिनकी चिंता नहीं की। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। मैं अपने केंद्रीय मंत्री श्री पुरी जी को धन्यवाद देता हूं। इस दिल्ली में 1371 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जिसमें 40 लाख गरीब लोग रहते हैं, लो इनकम ग्रुप के। उनके स्वामित्व का सवाल था। वे गरीबी से कमाए हुए पैसे से जमीन खरीदते थे, घर खरीदते थे, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता था कि इस पर उनका स्वामित्व है या नहीं है। एक ही जमीन और एक घर की 3 रजिस्ट्री हो जाती थी और पूरे जीवन की कमाई वह गरीब लोग खो देते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पीएम उदय योजना लाए, उस पीएम उदय योजना में आज 20,000 लोगों को स्वामित्व मिल चुका है। लगभग 1 लाख से अधिक लोगों ने अप्लाई किया है। आप उन लोगों की कल्पना कीजिए, 40 साल की मेहनत, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, आम आदमी की सरकार रही। मैं आम आदमी पार्टी की बात करना नहीं चाहता हूं। शराब घोटाले के कारण जो दिल्ली की और हिंदुस्तान की छवि बनी है, उस छवि के लिए इस पार्टी की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसी दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। एक और बात का मैं जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली में 2 समस्याएं रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, इसकी तुलना वाशिंगटन से होती है, इसकी तुलना पेरिस से होती है, इसकी तुलना मेलबोर्न से होती है, और आपने दिल्ली को क्या बना रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 28,48,000, सभापति महोदय मैं समाप्त करता हूँ इस आंकड़े के साथ, 28,48,000 जल का कनेक्शन मिला और 21,45,000 सीवर के कनेक्शन मिले। आप कल्पना कीजिए कि 28 लाख घरों में जल पहुंचाना, 21 लाख सीवर का कनेक्शन देना, ये दिल्ली को हम उस रूप में ले जाना चाहते हैं कि वाशिंगटन से आने वाला व्यक्ति, मेलबोर्न से आने वाला व्यक्ति दिल्ली को उस रूप में देखे। एक समृद्ध भारत की राजधानी है। और मैं कहना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किया है जिस काम की कल्पना आपने 70 साल तक नहीं की थी।